राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल रेस में सबसे आगे। गजेंद्र शेखावत और दिया कुमारी के नाम पर भी लग सकती है मुहर। मिजोरम की 44 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए। जेपीएम ने बहुमत के आंकड़े को किया पार। एमएनएफ 10 सीटों पर सिमटी। बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को मिली महज 1 सीट। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस में मंथन जारी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे सीएम पद का फैसला। साइक्लोन मिचोंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश। बारिश के बने बाढ़ जैसे हालात। एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी। रात 11 बजे तक बंद की गई सभी उड़ानें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल। सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द। फर्जी हस्ताक्षर मामले में की गई थी सदस्यता रद्द। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। बदायूं में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भी चलाया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट रामजुला ने पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु जागरूक किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मजिस्ट्रेट ने बताया कि किस तरह भावी मतदाता ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल स्टूडेंट्स और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाएं। सहसुई प्रभारी सरवर अली ने प्रचारियों से कहा कि पुनरीक्षण तिथियों में जनपद की स्वीप टीम आपस में पूर्ण समन्वय बनाकर मतदाताओं को पंजीयन के लिए जागरूक करें। और वही बदायूं में निजी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया। शिशु की मौत पर परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिवारजनों ने कहा कि इलाज में लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। वहीं अस्पताल स्टाफ परिजनों को शव सौंप कर फरार हो गया है। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हमारी दो बच्चियां 9 तारीख धनतेरस वाले दिन पैदा हुई थी और एक बहन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी। यहाँ न्यू फैमिली हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था। फिर अभी कल उसकी तो दूध नहीं पी रही थी, लेके गए थे उसे हम दिखाने। वहाँ 2:15 बजे पहुंचे हैं और शाम को 5-6 बजे मुझे लपेट के दे दी कम्बल में और बोले अब ये सही है, आप घर ले जाओ, दूध दूध कम पिए तो ले आना, हम मशीन में एडमिट कर देंगे 2 दिन के लिए। और वहीं प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया, जिससे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राचार्य सलील श्रीवास्तव ने कहा है कि एंजाइटी की ओवरडोज लेने से छात्रा की हालत बिगड़ी है। जानकारी के अनुसार फैकल्टी परिसर में पहले भी छात्रों ने अव्यवस्था को लेकर हंगामा किया था। एक बच्ची थी इलाहाबाद की रहने वाली है, उसको थोड़ा एंग्जाइटी वगैरह हुई होगी तो उसने एंग्जाइटी की दवा खा ली। कमरा अंदर से बंद कर लिया था, लोग डर गए। तभी कमरा खोला गया, उसको अस्पताल भेज दिया। कमरे का जहां सिटकिनी लगती किनारे का तोड़ के सिटकिनी खोल दी गई। कुशीनगर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को अपनी ही सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें जिसके चलते भाजयुमो नेता ने न्याय पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार 2 बहनों की जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कसिया के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। धरने के 29वें दिन न्याय की उम्मीद में पेड़ पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपाध्यक्ष को पकड़कर थाने ले गई।
कुशीनगर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए हैं। घर के लोग छठ पर्व पर कोलकाता गए हुए थे और वापस लौटे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही अहिरोली पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ित की तहरीर पर चोरी की तलाश में जुटी। और भाई देवरिया के खुकुंद के पुरेनी गांव में दबंगों ने जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुस्तैनी जमीन में गांव के कुछ दबंग लोग जबरन रास्ते का निर्माण कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामला ये है कि यहाँ के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान ये लोग जबरन ये जमीन को बिक्री किए हैं और कब्जा दिलवाए। ये श्रेणी 6-2 की जमीन है और सौरगाह है। अच्छा। और हमको प्रताड़ित करते हैं लोग, जान से मारने की धमकी देते हैं। आज शिवाजी शाह, पंकज पांडे, सतीश प्रसाद और उनके एक छोटे भाई शिवाजी को, ये लोग चार लोग आज ही घेरे थे। ये मामला ये है कि हमारे चक में ये लोग जबरन रोड निकालना चाहते हैं, ये दबाव में जबरन रोड निकालना चाहते हैं और अगले को जिसको क्रय विक्रय किए हैं, इसमें थाना भी इन्वॉल्व है, इसमें तहसीलदार भी इन्वॉल्व है, जो कि फोन से धमकी भी दी है तहसीलदार सलेमपुर, इसमें लेखपाल भी हैं, प्रधान भी हैं। सर ये श्रेणी 6-2 की जमीन है और सौरगाह है, इसमें जो है कि प्रधान लोगों की मिली भगत है, पैसा ले लेकर के क्रय विक्रय करके जिसको मर्जी जब मर्जी बैठाते हैं और उनके रास्ते के लिए हमारे चक में ये लोग जो है कि हमसे मार पिटाई करते हैं। इसमें शिवाजी शाह हैं, उनके एक भाई हैं विकास नाम है, पंकज पांडे हैं और सतीश हैं, ब्रह्मानंद हैं। कुशीनगर के सुकरौली ब्लॉक में प्रकृति इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का बैच लगाकर सम्मान किया गया। बच्चों ने इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि अतुल सराफा ने कहा कि अच्छी शिक्षा और संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं, हमें समाज को शिक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। वहीं स्कूल के डायरेक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य मोदी जी का कैप्शन है कि हिट इंडिया फिट इंडिया। जब भारत स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। आज भारत इंटरनेशनल लेवल पे है, हमारे प्रकृति के इंटरनेशनल लेवल के बच्चे भी हम दे रहे हैं और इस छोटे से जगह को, छोटे से स्कूल को आप सभी लोगों का आने से प्रमोशन मिला है। सर देखिए, शहर में तो यहाँ के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कैपेबल हैं, अपने बच्चों को शहर में भेज सकते हैं, बट कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज़ के लोग अब्रॉड में बसे हुए हैं, बाहर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। चाहते तो थे वो पढ़ाना, बट इस एरिया में ऐसा स्कूल नहीं था। इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये PIS परिवार की तरफ से ये पहल की गई है हमारे कुशीनगर की ये बच्चों के लिए। ये बाइकथन प्लान हम लोगों, जैसे कि ये बड़े शहरों में होता है, और जब मैं अपने स्टूडेंट से इस इवेंट के लिए डिस्कस की कि हमारा फाउंडेशन डे आने वाला है 3 दिसंबर को, तो ये पहल मैंने बच्चों से ही वो किया था कि व्हाट प्रोग्राम यू वांट, तो दे took the initiative of bikeathon, that ma'am we want bikeathon, क्योंकि बड़े लोगों हमारे लाइक गोरखपुर के आईनेट्स और दैनिक जागरण वगैरह के थ्रू होता है और इस एरिया में कभी नहीं हुआ। ये हमारे रूरल एरिया के बच्चे बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी हैं, दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म, और समझ लीजिए इन बच्चों के लिए करने के बाद, ये बाइकथन करने के बाद, और उनका ये जो जोश था लाइक देवर ब्रिंगिंग देयर फ्रेंड्स, चलो बाइकथन में पार्टिसिपेट करना है, तो इसको करके और आज जो हम लोगों ने किया होस्टिंग करने के बाद, एक समझ लीजिए कि वी आर हैविंग अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन।
और वही जालौन में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चोरों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो गया है। चोरों ने भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। अमेठी जिले के आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती के किस्से आम होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरिफ के घर पहुंचे और सारस से मिले। उसके बाद योगी सरकार ने हर जिले में सारस पक्षी की गणना कराई। प्रतापगढ़ में कुसमी ग्राम सभा के प्रधान तोहिद का सारस भी चर्चा में बना रहा। प्रधान तोहिद ने अपने घर में घोड़े के साथ ही पिछले एक साल से सारस पक्षी को खरीद कर पाल रखा है। गणना के बावजूद भी अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं हुई। मामला तब सामने आया जब गैंगस्टर एक्ट में प्रधान तोहिद को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अधिकारी उसके घर पर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की जांच करने के लिए पहुंचे। प्रतिबंधित सारस प्रधान के घर के अहाते में दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग के अफसरों ने सारस पक्षी को कब्जे में ले लिया और वन रेंजर महेंद्र वर्मा की तहरीर पर प्रधान समेत अन्य लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इस पर वन्य जीव अधिनियम के प्राप्त सूचना के अनुसार तौहीद आलम ग्राम प्रधान कुसमी के आवास स्थल पर एक सारस पक्षी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर वन विभाग द्वारा सारस पक्षी को अपने कब्जे में लिया गया तथा इस बाबत थाना कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई है। इस पर वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के कप्तानगंज थाने में पीपरा माफी गांव में प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। प्रेमिका की मौत हो गई है। वहीं प्रेमी की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी में सामने आया है कि प्रेमी युगल 3 दिन से घर से फरार चल रहे थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक प्रेमी युगल द्वारा प्रेम प्रसंग में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है, जिसमें युवती की मृत्यु हो गई है तथा युवक का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। प्रकरण में सभी पक्षों सभी तथ्यों पर गहराई से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत एपीएम कॉलेज व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला अधिकारी प्रवर्धन शर्मा और महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विष्णु भगवान अग्रवाल रहे। मतदाता जागरूकता से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया। अयोध्या प्रसाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज में आज प्रबंधक और डायरेक्टर साहब प्रिंसिपल साहब ने ये कार्यक्रम छात्र छात्राओं की जागरूकता करने के लिए और जन सामान्य में जन चेतना बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में अच्छा सा पोस्टर प्रतियोगिता हुई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम की वजह से मतदाताओं में जागरूकता आएगी और हम नए मतदाताओं को जो हमारा टारगेट है 18 से 19 वाला उसको पूरा कर सकेंगे। पिलसी विधानसभा में अभी 5% के करीब ही नए वोट बने हैं, हमें उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक मतदाता। जालौन के तहसील कालपी क्षेत्र में करंट लगने से नाबालिग की मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र सरसेला में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वही इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। जनपद अलीगढ़ के थाना ककारसी इलाके में नगला पटवारी में अवैध हथियारों से लैस डकैतों ने रिटायर फौजी के घर को निशाना बनाया। दंपति के साथ मारपीट कर घायल करते हुए करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। मारपीट में घायल दंपति को उपचार के लिए दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए
और इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगालते हुए डकैतों की तलाश में जुटी। यहाँ पर नगला पटवारी के अंदर पहिन नगर की मोड़ के ऊपर मेरा बड़ा भाई जो एक सर्विसमैन है वो यहाँ पर मकान बनाकर रहता है। रात लगभग 12:30 से 2 बजे के बीच में मेरा भाई घर के अंदर सो रहा था। घर पर कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी दो ही थे। अज्ञात बदमाश आए, घर की छत को काटा है, दीवारों को काटा है और सीढ़ियों से नीचे आए हैं। दोनों को, भैया भाभी को बेरहमी से पीटा है, जिसमें भाई का सर फटा हुआ है और भाभी की दो जगह से बाजू फ्रैक्चर है। अच्छा जी। और उन्होंने घर में खूब अच्छे करके आतंक मचाया है। लगभग 30 तोला सोना और 1,70,000 रुपया कैश था, वो लेके गए। मेरे भाई साहब के साथ में रात हादसा हुआ, 4 इंची की दीवार को तोड़ा गया, उसके अंदर अज्ञात बदमाश अंदर आए और 15 लाख की ज्वेलरी और 1,70,000 का कैश, जो कि उनकी बेटियों का ज्वेलरी था, वो उनके पास रखा हुआ था। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।